राम स्टूडियो के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जो वीडियो हम बनाते हैं वो आपकी जानकारी के लिए और आपसे हम शेयर करने के लिए बनाते हैं। तो आज हम बागवानी के कुछ बातचीत आपसे करना चाहते हैं। तो जो हमने अभी बाग लगाया है, लगभग 8-10 महीने का हो चुका है ये, और इसकी ग्रोथ बड़े अच्छे से चल रही है और हम जैविक खाद का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी मैंने इसके नीचे कुछ फर्टिलाइज़र डाला है, DAP 100 ग्राम यूरिया और वर्मी कंपोस्ट जो मैं घर पर ही बनाता हूँ अच्छे से। तो वो हमने लगभग 20-22 किलो के आसपास पौधे के हिसाब से जो हमने गमले बनाए हैं इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं और नमी इसके अंदर फुल है। ये देखिए, बहुत सी नमी है इसके अंदर। और खाद डालते ही अब हम इसमें जो है पानी छोड़ देंगे। और अभी लगभग अक्टूबर का महीना चल रहा है 2022, सर्दी आने वाली है और पौधों को न्यूट्रिशन की बहुत ज़बरदस्त और बहुत जल्दी आवश्यकता है। तो आगे हम जब इसमें पानी देंगे तो पानी हम ड्रिप से लगाएंगे। ड्रिप पे मैंने बिछा रखी है, ड्रिप की हमने दो लाइन लगाई। दो लाइन इसलिए लगाई है कि जो पौधे हैं उनका आकार ज़्यादा होगा, इनको पानी की आवश्यकता भी ज़्यादा है। तो एक हमने इस साइड लगाया, एक पाइप के दोनों साइड लगाया, यानी ड्रिप इस साइड भी और इस साइड भी। और टपका सिस्टम है, लगभग 1 फुट के अंतर में इनके जो सुराग हैं वो इसके अंदर टप टप पानी गिरता रहेगा। और इस पौधे के अंदर पानी की जो आवश्यकता है वो पूरी होगी, कम नहीं होगी। और जब भी इसको ज़रूरत होती है तभी हम चला सकते हैं। और साथियों, ये मैंने अभी 2 साल पुरानी खाद अभी बनाई है और मंगा कर के मैंने इसके अंदर इस हिसाब से डाल के अभी हम इसके 3 बेड बनाएंगे। लगभग एक बेड की जो लंबाई है वो 20 फुट होगी और जो चौड़ाई है वो हम लगभग 3-3.5 फुट करेंगे। नीचे मैंने ये देखी पॉलीथीन डाल रखा है, उधर से दिखाई पॉलीथीन डाल रखा है। पॉलीथीन इसलिए डाल दिया कि जब इसके ऊपर हम पानी डालेंगे, पानी डालने से जो पानी है, जो मात्रा है पानी की, अगर ज़्यादा भी गिर गया तो इसका जो कस है, जो इसका अरक टाइप में जो इसका रस है गोबर का, वो नीचे नहीं जाएगा, वो इसके अंदर ही सम्मिलित हो जाएगा। और जो केंचुए हैं वो ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे और उसमें घूमते रहेंगे तो उनको जो खुराक है वो समय पर मिलती रहेगी और पानी की मात्रा हम उतना ही डालेंगे जितनी ज़रूरत है। तो साथियों, इस तरह ये 3 महीने के अंदर वर्मी कंपोस्ट बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये बेस है पहला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और जब इसका बेड बना देंगे तो एक वीडियो हम फिर बनाएंगे और आपको दिखाएंगे किस तरह इसमें हम बेड बना करके क्या क्या चीज़ इसमें डालते हैं। फिलहाल इतना ही साथियों, मैं फिर से कहता हूँ कि इस तरह की जो खेती बाड़ी की जो हम वीडियो बनाते हैं वो आपसे शेयर करने के लिए बनाते हैं। हमारा मकसद कोई पैसा कमाना नहीं है, हम आपसे जानकारी ले भी सकते हैं जब भी ज़रूरत पड़ती है। और कोई भी जानकारी की अगर आपको आवश्यकता है तो साक्षात हम कार्य कर रहे हैं, धरातल स्तर पर काम कर रहे हैं, कोई इसमें झूठ नहीं है। कोई भी कार्य अगर हम करते हैं तो उसमें बड़ी मेहनत होती है, बगैर कुछ भी मेहनत करे कोई कार्य संभव नहीं है। तो साथियों, आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।